नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माया क्रिएशंस में। और आज के वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम की सब्जी, जिसमें कि मैं मटर और पनीर भी थोड़ा थोड़ा दोनों मिक्स करूँगी। तो ये है मेरे पास मशरूम का पैकेट जो 200 ग्राम है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दबा लीजिएगा बेल आइकन, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स जब भी मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और मेरे चैनल पे आपको सिलाई के संबंधित वीडियो, कुकिंग के संबंधित वीडियो और अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू फ्लिपकार्ट अमेजोन ये सब की वीडियोस भी आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमने मशरूम का पैकेट लिया है। ये है मशरूम और ये है हमारे पास हरा मटर जो 250 ग्राम है, मैंने छिल के रख लिया है इसको। तो सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे और मशरूम को खोल लेंगे। तो ये जो है मशरूम है लगभग 200 ग्राम। इसको आप अपनी साइज के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। मैं इसका एक मशरूम में 4 पीसेस करूंगी और इसकी डंडी को ऐसे ही रहने दूंगी। आप चाहें तो डंडी निकाल भी सकते हैं और इसको काट करके जो है वो मैं फ्राई पैन में डाल रही हूँ। तो ये हमने मशरूम के पीसेस जो है वो कट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें मैं डालूंगी पानी, थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। इसको डूबने भर का पानी हम डाल देंगे। ये हमारा मशरूम जो है वो डूब गया है। अब इसको चढ़ाएंगे हम गैस पे। तो ऑलवेज मशरूम जब भी आप बनाने जाएं तो सबसे पहले उसे गर्म पानी में बहुत अच्छी तरीके से साफ कर लें, ताकि इसकी जो महक होती है वो निकल जाए। हमने कर लिया गैस ऑन, फिर हमने रख दिया इस मशरूम को और इसे हम किसी बर्तन से ढक देंगे, प्लेट से। और इसे लगभग हम 5 से 7 मिनट तक हम इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। और आंच हमने रखी है तेज पे, हाई फ्लेम पे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे 5 से 7 मिनट बाद। तो आइए, जब तक हमारा की मशरूम जो है वो बॉईल हो रहा है तब तक हम बाकी की तैयारियाँ कर लेते हैं। तो ये हमने मटर को वॉश कर लिया है, वॉश करके रख दिया है। साथ में ये हमारे पास 100 से 150 ग्राम पनीर था, जिसको मैंने स्क्वायर पीसेस में कट कर लिए हैं और रख दिया है इसको भी। और अब हमारी बारी है कि हम प्याज काट लें। तो प्याज मैं बताऊं आपको कि प्याज हमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ग्रेवी थोड़ी थिक चाहिए तो आप ज़्यादा मसालों का यूज़ करें, आप प्याज और टमाटर के हेल्प से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये प्याज लिया है लगभग 3, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम काट के डालेंगे और थोड़ा सा ग्राइंड भी करेंगे, ताकि हमारी जो करी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। साथ में मेरे पास ये है अदरक, अदरक का टुकड़ा, ये भी मैं रख लेती हूँ। तो हमें पहले प्याज छील के काट लेना है। लंबा लंबा बारीक बारीक काटना है इसे हमें। हमें इसे छील के पहले वॉश कर लेना है, उसके बाद जो है हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमने तीनों प्याज जो है वो कटिंग करके रख लिया है बारीक बारीक। और एक एक चीज मैं ऐसे ही तैयार करती जाऊंगी। और ये है हमारे पास लहसुन, तो इसको भी हम छील लेंगे, 2 गांठ है लहसुन की, तो इसको भी हम छील लेते हैं। बहुत ही इजी तरीके से बनाऊंगी
और मशरूम की सब्जी घर पे कैसे बनाते हैं। काफ़ी लोग इसे बॉयल नहीं करते हैं जिसकी वजह से उसकी स्मेल आती है, तो फिर वो खाने में भी बहुत ख़राब लगता है। ये मशरूम हमारा लगभग 5 से 7 मिनट तक हो गया है बॉयल, और देखिए इसकी साइज़ जो है वो छोटी हो जाती है। और जब भी पानी ऊपर आने लगे तो मेक श्योर आप ऊपर का ढक्कन हटा दें, अदरवाइज़ जो है वो गिरने लगेगा पानी बाहर। मैं इसे चला लूँ थोड़ा सा। इसे 1 मिनट के लिए हम और छोड़ रहे हैं गैस पे बॉयल होने के लिए, और इसी समय में इसकी जो है वो सारी महक निकल जानी चाहिए। तो मैं इसे 1 मिनट के लिए और छोड़ती हूँ। ये हमने लहसुन भी छील के ले लिया है, अब हम इसमें जो है वो अदरक भी छोटे छोटे पीसेस में काट के डाल देंगे। तो अदरक को पहले ऐसे हम छील लेते हैं, उसका छिलका उतार के इसे हम बारीक बारीक काट देंगे। ये हमारा अदरक। अब हम लेंगे इसमें टमाटर। ये है हमारे पास 2 टमाटर, ज़्यादा एक छोटी साइज़ का है और एक मीडियम साइज़ का है। ज़्यादा टमाटर का यूज़ करेंगे तो सब्ज़ी खट्टी लगने लगेगी, तो इसे हम वॉश कर लेंगे पहले। इसे हमने वॉश कर लिया है और अब हमें ग्राइंड करने की तैयारी करनी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ग्राइंडर में क्या क्या जाएगा। ये हमारा ग्राइंडर, उसमें चटनी वाला जार है, आप कोई भी जार यूज़ कर लें, जूसर वाला मत यूज़ करिएगा। और इसमें हमने अपना अदरक लहसुन डाल दिया है, फिर ये जो हमारे पास कटी हुई प्याज है इसमें से हम थोड़ा सा प्याज भी डाल देंगे और थोड़ा सा रख लेंगे, लगभग आधा प्याज डाल देंगे। और इसके बाद हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे कट करके। ये हो गया प्याज टमाटर अदरक लहसुन। इसके बाद से इसमें हमें डालना है जीरा और काली मिर्च। तो काली मिर्च मेरे पास यहीं पे है, थोड़ी सी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी काली मिर्च है, ये हम डाल देंगे इसमें। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें जीरा। तो मसाले वाले डिब्बे से मैं थोड़ा सा ये जीरा, लगभग इतना 2 चम्मच छोटे वाले चम्मच से डाल देती हूँ। ये हो गया हमारा जीरा मरीच। और कभी भी किसी किसी सब्जियों में जो है वो हम जो मार्केट का धनिया पाउडर अवेलेबल है वो हम यूज़ ना करके हम खड़ा धनिया यूज़ करें, तो उसके टेस्ट में और पाउडर के टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कभी ट्राई करके देख लीजिएगा। और अगर आपको मसाले ग्राइंड ही करने हैं तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप खड़ा धनिया लेकर के इसमें ग्राइंड कर लें। तो ये मेरे पास डिब्बे में देखिए कुछ खड़ा धनिया है, हम इसमें से ही यूज़ कर लेते हैं खड़ा धनिया। बस इसे अब हमें ग्राइंड कर लेना है। इसमें पानी अभी मत डालिएगा। अगर आप चाहें इसमें तो अगर आप सब्जी में यूज़ कर रहे हैं मिर्ची पाउडर तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में अगर आपको पाउडर नहीं डालना है तो खड़ी मिर्ची भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे खड़ी मिर्ची ही डाल देती हूँ क्योंकि उसका टेस्ट भी थोड़ा अच्छा आता है। तो मैं यहाँ पर खड़ी मिर्ची डाल रही हूँ, लाल वाली। आप लाल वाली की जगह हरी वाली भी डाल सकते हैं, आप वो ऑप्शनल है आपके ऊपर। जितना तीखा चाहिए आपको उतना डाल लीजिएगा, मैंने 4-5 डाल दिया है। तो ये हो गया हमारा सारा मसाला तैयार। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। पानी अभी मैं नहीं डाल रही हूँ, पानी अभी मैं देख के जैसी जब ज़रूरत होगी तब डालूँगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जब एक बार आप ग्राइंडर चला लें, थोड़ा सा मसाला बैठ जाए, उसके बाद से आप खोल के देखें, जैसे इस स्टेज पे, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पानी ऐड नहीं किया क्योंकि टमाटर और प्याज ऑलरेडी पानी रिलीज़ करते हैं। तो इस स्टेज पे अगर आपको डालना है तो आप बहुत थोड़ा सा पानी मिक्स कर सकते हैं।
ये हमारा मसाला देखिए हो गया है, पेस्ट रेडी हो गया है। अब इसको हम ढक देते हैं। तब तक ये देखिए मैंने 1 मिनट बाद जो है वो बंद कर दिया था गैस, और ये मशरूम भी हमारा जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब इसको हम बहुत बार 3-4 बार अच्छे साफ पानी से इसको वॉश कर लेंगे और ये जो पानी है उसे फेंक देंगे। तो मैं इसे वॉश कर लेती हूँ पहले। तो देखिए इसे मैंने वॉश कर लिया है काफ़ी अच्छी तरीके से। अब इसे करना है हमें डीप फ्राई। तो डीप फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैं रखूँगी कढ़ाई। ये कढ़ाई रखा और हमें और इसमें यूज़ करेंगे राई का तेल। अगर आपके पास रिफाइन ऑयल है तो आप रिफाइन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सरसों के तेल में बना रही हूँ तो मैं उसी में फ्राई करूँगी। इतना तेल इनफ है, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, बच ही जाएगा आपका तेल। तो तेल को हम होने देंगे हीट। ये हमारा तेल हीट हो गया है। अब यहाँ पे हम मशरूम डाल देंगे। इसे थोड़ा सा ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे, लगभग 2 मिनट तक। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। जब आपके मशरूम इस स्टेज पे आ जाए, ये आप देख सकते हैं हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसे जो है हम बाहर निकाल लेंगे। हमने इस सब्ज़ी में आलू नहीं डाला है। अगर आप आलू डालना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, आप चाहें तो आलू भी डाल दें। और जब अगर आपको आलू डालना है तो थोड़ा सा इस तेल में वो भी कटे हुए आलूओं को थोड़ा सा फ्राई कर लीजिएगा तो वो सब्ज़ी और अच्छी होगी। अब ये जो हमारे पास बचा हुआ तेल है, इसमें जो हमारा पनीर है हम उसे फ्राई कर लेंगे। अगर आपको बिना फ्राई के पनीर डालना है तो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस स्टेज पर फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये हम पनीर डाल देते हैं इसमें। पनीर को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो वो रबड़ जैसा हो जाएगा। तो बहुत हल्का ही हम पनीर को फ्राई कर रहे हैं। अब पनीर बहुत जल्दी हो जाता है फ्राई, उसमें टाइम नहीं लगता। बस इसे हम ऐसे ही हाफ फ्राई पे निकाल लेंगे। अगर आपको इससे ज़्यादा रेड चाहिए तो आप इससे ज़्यादा रेड भी कर सकते हैं। हम ऐसे मशरूम वाले बाउल में ही इसको भी निकाल लेंगे। गैस को कर देते हैं बंद। और देखिए आप, मैंने पनीर का कितना अच्छा कलर आया है, मशरूम और ये पनीर हो गया है। अब हम सब्ज़ी बनाना तैयारी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम सब्ज़ी बनाना।
उसके लिए हम सबसे पहले रख देंगे कुकर। आप चाहें तो भगोने में भी, एल्युमिनियम के भगोने में भी बना सकते हैं सब्जी को, अदरवाइज अगर आप कुकर चाहते हैं तो कुकर पे भी बना सकते हैं। हमने गैस ऑन कर लिया है और हमने चढ़ा दिया है ये कुकर, और कुकर को अच्छी तरह से हीट होने दें। हमारा कुकर हीट हो गया है, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास बचा हुआ कढ़ाई का तेल है हम इसे ही डाल देंगे, इतना तेल काफ़ी है हमारी सब्जी के लिए। तो हमने ना ज़्यादा तेल यूज़ किया है ना कम तेल यूज़ किया है, और मटर पनीर मशरूम की सब्जी थोड़ी सी ऑयली तो होती ही है, तो इसके लिए हमने थोड़ा सा लिमिट जो है वो ज़्यादा रखा है, अदरवाइज़ कोई ज़्यादा लिमिट नहीं रखा है तेल का। और अगर आप इससे कम भी डालना चाहें तो इससे कम डाल लें तेल, और तेल के हीट होते ही, तेल तो वैसे भी हमारा हीट है पहले से, तो यहाँ पे हमने 2 से 3 तेज पत्ते डाल दिए हैं, तो सबसे पहले हमें तेल में वही डालना है। इसके बाद हमें ये जो हमारे कटे हुए प्याज बचे हुए थे वो डाल देने हैं। यहाँ पे हम प्याज को चला लेंगे और जैसे कि मैंने आपको मेरी हर वीडियो में मैं बताती हूँ और आगे भी ये चीज़ बताऊंगी कि जब भी मैं प्याज डालती हूँ तो मैं प्याज के साथ ही यहाँ पे नमक डाल देती हूँ, ताकि मेरा थोड़ा सा टाइम और गैस दोनों बच जाता है, क्योंकि नमक डालने से जो है आपका प्याज जल्दी भुन जाता है। तो एक ही बार सब्जी में जितना ज़रूरत है हम एक ही बार उतना नमक यहाँ पर डाल दे रहे हैं। अब प्याज को कर लेंगे हम गोल्डन ब्राउन। यहाँ हमारा प्याज जो है वो देखिए ब्राउन हो चुका है। इस स्टेज पे जो हमने मसाले ग्राइंड किए हैं, आई मीन धनिया जीरा काली मिर्च और प्याज टमाटर का जो हमारा पेस्ट है उसी में लहसुन अदरक मिर्ची सब हमने एक में ही ग्राइंड कर लिया था, तो यहाँ पे वो हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम जार में पानी डाल के खंगाल लेंगे और उसे भी डाल देंगे। इसके बाद हम इसे चला लेंगे। अब यहाँ पे आपको गैस जो है वो हाई फ्लेम पे ही रखना है, और यहाँ पे जो है हम बचे हुए मसाले, यानी कि हम कोई एडिशनल मसाला नहीं डाल रहे हैं, हमें बस सिर्फ एक गरम मसाला डालना है और काफ़ी कम मसाले में ये सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि हमारी ग्रेवी ऐसे ही प्याज और लहसुन की प्यूरी से ही जो है वो गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 चम्मच पिसा हुआ गर्म मसाला मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा और बस। इसके अलावा हमें आपको कोई मसाले अगर एडिशनल ऐड करने हैं, किचन किंग वगैरह या सब्ज़ी मसाला, तो आपके ऊपर है, आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो मसालों को साथ साथ भूनना, और हमें डालनी है हल्दी। अगर आपने मिर्ची ग्राइंड नहीं की है साथ में तो यहाँ पे आप मिर्ची पाउडर ऐड कर सकते हैं इस समय पे, लेकिन हमने मिर्ची जो है वो ऑलरेडी ग्राइंड की हुई है तो हम मिर्ची पाउडर नहीं डाल रहे हैं, और पाउडर का यूज़ अपने खाने में जितना कम करें उतना ही अच्छा है। ये हमने डाल दी हल्दी। अब हम कम से कम हाई फ्लेम पर ही मसाले को 2 मिनट तक भुनेंगे, जब तक ये अपना ऑयल रिलीज नहीं कर देता है और पानी इसका सूख नहीं जाता है। बीच बीच में हमें चलाते रहना है, इस बात का ध्यान देना है।
देखिए हमारा मसाला लगभग 1 से 1.5 मिनट में भून के रेडी हो चुका है। तेल छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पे हम अपनी सारी सब्जियां डाल देंगे। आज को हमने तेज ही रखा है, हाई फ्लेम पे ही। सबसे पहले ये पनीर और मशरूम। इसके बाद से ये मटर मिक्स कर लेंगे। सब्जी मिक्स करने के तुरंत बाद ही हम इसमें पानी डाल लेंगे, जितना आपको चाहिए। तो ये हमने पानी ले लिया है बर्तन में और हमने डाल देना है। जितनी आपको नीड हो आप उतना पानी मिला लें। हमें ये चावल के साथ सर्व करना है, इसलिए हमने थोड़ा सा ग्रेवी रखी है। अदरवाइज अगर आपको रोटी के साथ खाना है तो 100-150 ml पानी बहुत है। अब हम इसको हाई फ्लेम पे इसको प्रेशर कुक करेंगे। देखिए ढक्कन बंद कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पे कम से कम 2 से 3 सीटी दे देंगे हाई फ्लेम पे ही। तो इसको 2 से 3 सीटी देने में लगभग लग जाएगा 5 मिनट। यहाँ हमने गैस बंद कर दिया है, लगभग 3 सीटी दी है, 3 से 4 सीटी हाई फ्लेम पे ही। और इसके बाद से जैसे कि आप देख सकते हैं अभी पूरी स्टीम भरी हुई है, तो इस स्टीम के निकलने का हम इंतज़ार करेंगे। आप सीटी उठाएं ना जल्दी जल्दी में, क्योंकि उससे सारे मसालों की महक जो है वो बाहर चली जाती है। तो इसलिए हम थोड़ा सा 5-10 मिनट वेट कर लेंगे ताकि इसका स्टीम जो है वो निकल जाए। ये हमारा स्टीम जो है वो निकल चुका है, तो यहाँ पे हम खोल के देख लेते हैं कि हमारी सब्ज़ी कैसे बनी है। ये देखिए आप सब्ज़ी देख सकते हैं, बहुत अच्छा कलर आया है और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। अब यहाँ पे हमारा एक लास्ट काम बचा है जो अभी हम करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाल रहे हैं। थोड़ा सा इसको मिला देंगे और जो है वो प्रेशर बंद कर देंगे। गैस ना जलाएं, सिर्फ प्रेशर बंद कर दें। स्टीम है अभी इसमें। अब 2 मिनट तक आप छोड़ दें, उसके बाद देखिए हम अब ये सर्व करने का टाइम आ गया है, तो हम इसको निकाल के दिखाते हैं आपको। देखा आपने, बहुत ही कम मसाले में, ये कोई मसाला ज़्यादा नहीं है और सब्ज़ी बहुत ही बेहतरीन बनी है। जो देखने में अच्छी लगती है वही खाने में भी अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर और कलर बहुत अच्छा आया है। ये कितनी अच्छी लग रही है ये सब्ज़ी। और इस पे हम थोड़ा सा हरी धनिया लेके गार्निश कर देंगे और इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना देंगे। तो ये है हमारी, और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा था, मैंने खाया था। अगर आपको पसंद आई हो मेरी ये वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और बने रहिए मेरे चैनल के साथ ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।